फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो देखने वाले हैं वो एट्टी के अंदर एपिसोड नंबर 49 देखने वाले हैं। सो एपिसोड नंबर 48 के अंदर मैंने प्लांक्स लॉ एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कवर करा है। इस एपिसोड 49 के अंदर हम बच्चों जो देखने वाले हैं वो है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट होता है उसका प्रूफ होता है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसकी हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस थियोरी। सो दिस इज विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। अकॉर्डिंग टू विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोल रहा है, तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बोल रहा है वो क्या हो रहा है, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ क्या बोलेंगे, वेवलेंथ को बोलते हैं हम लैम्डा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ को क्या बोलेंगे, लैम्डा एम, एंड रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वेवलेंथ एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी इसको बोलेंगे हम कैपिटल टी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू विंस लॉ, कि जो प्रोडक्ट होता है मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर का वो होता है कॉन्स्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 0.0029 मीटर केल्विन, ठीक है। तो विंस ये बोल रहा है कि आपका जो मल्टीप्लीकेशन होगा पूरा ब्लैक बॉडी लैम्डा एम यानी मैक्सिमम वेवलेंथ और इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, वो दोनों का आंसर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू विंस लॉ लैम्डा एम इनटू टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। यानी इसको ऐसा लिख सकता हूं, लैम्डा इज एम प्रोपोर्शनल टू 1/T, ठीक है। उसका मतलब क्या होगा, जैसे टेम्परेचर कम होगा आपको हायर वैल्यू मिलेगी वेवलेंथ की, ठीक है। सो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू विंस लॉ के प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। सो वी आर डूइंग द प्रूफ। तो ये कहां से आया बच्चों, तो आपको पता है मैंने एपिसोड नंबर 47 में, एपिसोड नंबर 47 के अंदर या एपिसोड नंबर 48 के अंदर, यस एपिसोड नंबर 48 के अंदर मैंने प्लांक्स लॉ कवर करा हुआ है, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा पहले वो एपिसोड नंबर 48 देख रहे, ठीक है। तो उस एपिसोड नंबर 48 के अंदर हमने देखा है कि ये क्या है, ये प्लांक्स लॉ का स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। तो एपिसोड नंबर 48 देख ले, उसमें मैंने बताया कि एम इज द पावर ऑफ मोनोक्रोमिक एम इज द पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू C1 लैम्डा रेस टू -5 अपॉन E रेस टू C2 अपॉन लैम्डा T -1। तो ये प्लांक्स लॉ के हम पहले प्लांक्स का इक्वेशन लिखेंगे और उसकी मदद से हम ये जो हमारा आंसर है वो डिराइव करने वाले, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ये लोग याद होना चाहिए, तो जिन लोगों ने एपिसोड नंबर 48 नहीं देखा है पहले वो जाके देख ले, ठीक है। सो हमने यहाँ पे प्लांक लॉ ले दिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए। अब मैक्सिमम वेवलेंथ होने के लिए हमारे पास जब भी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, यानी आपकी लैम्डा की जगह पे यहाँ पे लैम्डा एम होगा, तो आपका जो एमिजी पावर मिलेगा वो भी मैक्सिमम एमिजी पावर होगा, ठीक है। तो अभी आपको मैक्सिमम एमिजी पावर चाहिए अगर मैक्सिमम वेवलेंथ ढूंढना है, तो मैक्सिमम एमिजी पावर आपको तब मिल सकता है जब इस पूरी चीज का डिफ्रेंशिएशन हम विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा करें, तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। तो अभी ये पूरा चीज का डिफरेंशिएशन देखो, आप विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा लिखा और सामने मैंने जीरो से इक्वेट करा है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब ये कौन सा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज यानी E^C2 अपॉन लैम्डा टी -1 एज इट इज, देखो ये ऊपर का एज इट इज है। फिर क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, C1 एज इट इज रहेगा, लैम्डा रेस टू -5 है तो -5 आगे आ जाएगा और ऊपर -5 में से एक कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, -6। फिर क्या करेंगे, सब्स्ट्रेक्शन, फिर लिखेंगे, अब हमने क्या किया, इसका कर दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर का। अब देखें, अब क्या करेंगे हम, अब हम लिखेंगे न्यूमरेटर एज इट इज यानी C1 लैम्डा रेस टू -5 एज इट इज, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर का करेंगे, तो ये क्या है, E^C2 अपॉन लैम्डा टी -1 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, E^C2 अपॉन लैम्डा टी का करेंगे तो वो एज इट इज होगा, तो E^C2 अपॉन लैम्डा टी एज इट इज, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, उसके अंदर जाना है, तो उसके अंदर जाएंगे तो ये देखो, अब C2 अपॉन लैम्डा टी का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो देखो C2 अपॉन टी तो कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा, तो C2 अपॉन टी कांस्टेंट है बाहर निकल। अब ये क्या है, 1 अपॉन लैम्डा है, तो 1 अपॉन लैम्डा का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अपॉन ये क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैंने कुछ नहीं करा बच्चों, मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई किया, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करने वाले, अब हम इसका सोल्व करेंगे। तो ये सबसे पहले डिनोमिनेटर है वो 0 के सामने चला जाएगा, तो वो तो 0 ही होने वाला है। अब यहां पे देखिए ये क्या है, -5 C1 लैम्डा रेस टू -6 एक बार E^C2 अपॉन लैम्डा टी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा एक चीज आएगा। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने E^C2 अपॉन लैम्डा टी से मल्टीप्लाई करा। अब -1 को इसके साथ करें तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपको पूरा ये टर्म मिलेगा, ठीक है। फिर यहां पे क्या होगा, -1 प्लस C1 C2 का मल्टीप्लीकेशन,
लैम्बडा रेस टू माइनस फाइव, फिर नीचे क्या है लैम्बडा स्क्वायर टी, तो लैम्बडा स्क्वायर टी नीचे आ जाएगा, फिर ई रेस टू सी टू अपॉन लैम्बडा टी इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ये पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं फाइव सी वन लैम्बडा रेस टू माइनस सिक्स के साथ, तो जहां पे भी फाइव सी वन लैम्बडा रेस टू माइनस सिक्स है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइव सी वन लैम्बडा रेस टू माइनस सिक्स भी डिवाइड कर रहा हूं, पूरे के पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ फाइव सी वन लैम्बडा रेस टू माइनस सिक्स के साथ, तो यहां से पूरा चला जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस ई रेस टू सी टू अपॉन लैम्बडा टी, यहाँ पे बचेगा वन। तो यहाँ पे आप इसको इस पूरे इक्वेशन को आप डिवाइड कीजिए फाइव सी वन लैम्बडा रेस टू माइनस सिक्स के साथ, तो बचेगा वन अपॉन फाइव सी टू अपॉन लैम्बडा टी ई रेस टू सी टू अपॉन लैम्बडा टी इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है बच्चे, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, यानी हमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, सी टू अपॉन लैम्बडा टी की। तो आपको क्या करना है कि आप सी टू अपॉन लैम्बडा टी की, इसको क्या करेंगे ट्रायल एरर मेथड से सोल्व करेंगे। ट्रायल एरर मेथड क्या होता है कि आप क्या करते हो सी टू अपॉन लैम्बडा टी की अलग अलग वैल्यू एज्यूम करते हो, और जिस वैल्यू के लिए पूरा आंसर जीरो हो जाता है तो वो आपका हो जाए। मान लो कि आपका आंसर ये पूरा इक्वेशन है, आप अगर आप यहाँ पे सी टू अपॉन लैम्बडा टी इक्वल टू फाइव रखते हो तो पूरा इक्वेशन का आंसर जीरो हो जाता है, तो ये आपने जो आंसर है वो ट्रायल एंड एरर मेथड, आप अलग अलग करते हो। लेकिन हमें यहाँ पे उस झमेले में नहीं पड़ना है बच्चों, वी हैव टू जस्ट रिमेंबर कि अगर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से तो ये हमें इक्वेशन याद रखना है, तो हमें सी टू अपॉन लैम्बडा टी की वैल्यू मिलेगी 4.965। ओके ठीक है, तो आपको पूरा सोल्व नहीं करना, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से सोल्व करेंगे तो सी टू अपॉन लैम्बडा टी की वैल्यू मिलेगी 4.965। फिर यहाँ पे मैंने लैम्बडा एम क्यों लिखा, क्योंकि हमें मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे लैम्बडा एम टी लिखा, तो सी टू अपॉन लैम्बडा एम टी इज इक्वल टू 4.965। सो यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे ट्रायल एरर मेथड से सोल्व करेंगे तो सी टू अपॉन लैम्बडा टी की वैल्यू 4.965 है, ठीक है। तो अब हमारे पास है सी टू अपॉन लैम्बडा एम इनटू टी इज इक्वल टू 4.965, ठीक है। तो अब लैम्बडा एम इनटू टी को सब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि हमें लैम्बडा एम इनटू टी चाहिए, सो लैम्बडा एम इनटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.965, ए सी टू अपॉन ये नीचे आ जाएगा, तो सी टू अपॉन 4.965 हो जाएगा। अब एपिसोड नंबर 48 में जाइए, एपिसोड नंबर 48 में मैंने प्लांक्स लॉ पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक वैल्यू याद रखने की बोली थी, क्या सी टू की, तो सी टू की वैल्यू क्या होती है 1.4 इनटू 10 रेस टू माइनस 2 मीटर केल्विन, तो यू हैव टू रिमेंबर। तो आप यहाँ पे सी टू की वैल्यू 1.4 इनटू 10 रेस टू माइनस 2 मीटर केल्विन लिखे तो आपका आंसर आएगा लैम्बडा एम इनटू टी इज इक्वल टू 0.0029 मीटर केल्विन, ठीक है। तो हमने साबित कर दिया जो यहाँ पे प्लेयर हिंस ने बोला था, ठीक है। तो बच्चों ये आपका प्रूफ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।